इस फ्लैट पे कोई विकी नाम का लड़का रहता है क्या? नहीं मैडम, फ्लैट तो खाली पड़ा है। हमने देविका दीदी को देखा, उनके साथ एक लड़का था। कोई उसका फ्रेंड होगा उसके साथ? ये वही लड़का था जिसे हम दोनों ने उस दिन देखा था। देविका दीदी, आप किसी विक्की नाम के लड़के को जानती हैं? हाँ। आइए मैं आपको बेडरूम दिखा दूं। मैं पूछता हूं हैं कौन और यहां कैसे आए हैं? तो हम मैं पूछता हूं इस फ्लैट की चाबी किसने दी आपको? सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, आप अंदर कैसे आए? मैं इस चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर आया हूँ। मैं इस फ्लैट का मालिक हूँ, समझे आप? और इस फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी तो एजेंट के पास रहती है, तो आप लोगों के पास कहाँ से आई? बताइए किसने दी आपको चाबी? एजेंट ने? आप चिल्ला क्यों रहे हैं? बात करने की तमीज नहीं है आपको? ये फ्लैट हमने किराए पे लिया है, चलिए यहाँ से बाहर निकलिए। हमारे बेडरूम से बाहर चलिए आप। अरे बाहर जाइए यहाँ से। साहब मैं इस एजेंट के बच्चों को छोड़ूंगा नहीं, समझता क्या आपने आपको? अरे किसी को भी फ्लैट किराए पे दे दिया और हमें बताएगा भी नहीं? हमें बताना तो चाहिए कि नहीं, फ्लैट क्या उसके बाप का है? तो ये सवाल जाकर अपने एजेंट से करो, हमें क्यों परेशान कर रहे हो? हाँ जाने दो देविका, इट्स ओके। व्हाट्स ओके? व्हाट्स ओके? ये फ्लैट इनका है, इसका मतलब क्या है? बेधड़क अंदर आ जाएंगे? माफी मांगने की बजाय हमसे उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। देखिए ये मामला आपके और आपके एजेंट के बीच का है, जाके उनसे बात करिए। तुमने तो हमारा टाइम बर्बाद कर दिया है। पहले ये पता करो कि फ्लैट अवेलेबल है या नहीं है, उसके बाद किसी कस्टमर को बुलाना। भाई साहब, अरे भाई साहब, मैं उस एजेंट की अभी खबर लेता हूँ, समझता क्या आपने आपको? अभी आपके सामने फोन लगाता और पूछता हूँ उससे कि बाप का फ्लैट है। देखिए अब फोन भी बिजी आ रहा है, किसी और को टोपी पहना रहा होगा। अभी उसके ऑफिस में जाकर देखता हूं। वाह देविका, तुमने तो सही हैंडल किया इसे, पीछे ही पड़ गया ना। That's okay, विकी, but प्लीज यहां से बाहर चले। हाँ चल। क्या किया तूने? ये क्या किया तूने यार? तुझे मालूम है तेरी वजह से उस फ्लैट ओनर की कितनी बातें सुननी पड़ी मुझे? क्यों क्यों झूठ बोला तूने कि तू और? रिलैक्स रिलैक्स यार, इतना टेंशन क्यों लेता है यार? उस वक्त सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि कुछ और सूझा ही नहीं। देख विकी यार, ये डायलॉगबाजी मुझसे मत कर। हाँ तेरी वजह से जो पार्टी फ्लैट देखने आई थी वो मेरे हाथ से निकल चुकी है, उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा यार? मैं करूंगा। ओके यार, वो लड़की बड़े खाते पीते घर की है, बहुत माल वाल है उसके पास, ये 10-15 हजार उसके लिए कुछ नहीं है। डोंट वरी, मैं अरेंज करूंगा। ओके सब बंदोबस्त हो जाएगा, चिल रिलैक्स। देविका दीदी, इस वक्त कहाँ हैं आप? देविका दीदी, आप किसी विक्की नाम के लड़के को जानती हैं? असम्मान, उस दिन जब तुमने फोन किया था ना, मैं क्लास में थी, बिजी थी तो ठीक से बात नहीं हो पाई। वैसे ये बताओ कि तुम विकी के बारे में इतनी पूछताछ क्यों कर रहे थे, कोई खास वजह है? देविका दीदी, ऐसी कोई खास बात नहीं थी, बस वो काकुल ने आपको विकी के साथ देखा तो मुझे लगा। काकुल ने हम दोनों को साथ में देखा? कहाँ? काकुल शॉपिंग करने गई थी, वहीं उसने आप दोनों को देखा। वाह कमाल है, अपनी बीवी पर इतना भरोसा है कि अपनी बहन पर शक कर रहे हो? हाँ
समझा दो उस गवार को, ये मुंबई है मुंबई, उसका बिहार नहीं। जहां एक लड़का लड़की को देखे भी तो बंदूक की नोक पे शादी करवा दी जाती है। खबरदार, आइंदा जो तुमने और तुम्हारी बीवी ने मेरी पर्सनल लाइफ में दखल दिया तो। आप बैंक से बोल रहे हैं? आई सी, मिस्टर सम्मान ने लोन के लिए अप्लाई किया है तो गारंटर चाहिए होगा। ठीक है, आप कागज घर भिजवा दीजिए, मैं साइन कर दूंगा। ये कहिए तो मैं बैंक आ जाऊं। गारंटर नहीं चाहिए? यहां का परमानेंट एड्रेस लिखवाया है फॉर्म में। अगर मिस्टर सम्मान ने यहां का एड्रेस लिखवाया है तो यही है परमानेंट एड्रेस। जी हाँ, नो, यू आर मोस्ट वेलकम। किसका फोन था? बैंक से था। बैंक से क्यों? सम्मान ने लोन के लिए कुछ पेपर सबमिट किए हैं। घर से जब जा रहा था तब तो बड़ा कहा उसने कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। अब मदद की जरूरत पड़ गई ना, गारंटर के लिए आपका साइन चाहिए होगा, इसीलिए फोन आया था ना। यही तो बात है, उसे गारंटर की जरूरत नहीं। लोन एप्लीकेशन फॉर्म पर उसने यहां का परमानेंट एड्रेस लिखवाया। चलो यही मान के शुक्र मना लो कि कम से कम इस घर को अभी वो अपना तो समझता है। किस चीज का शुक्र मनाए? इस घर को वो अपना घर समझता है? हम पर कोई एहसान नहीं कर रहा है। कोई किसी पर एहसान नहीं करता है उत्तरा, हर इंसान अपनी किस्मत लिखवा कर लाता है और वही जिंदगी भर उसका साथ देती है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि अपने बलबूते पर उसने लोन के लिए अप्लाई किया। महीना भर हुआ उसे पटना से आए और इतने कम समय में उसने लोन के सारे कागजात तैयार भी कर लिए। भाई वाह, दिल ही खुशी हो रही है मुझे अपने बेटे की तरक्की देखकर। So tomorrow is the D-Day? जी हाँ, कल फैक्ट्री में सारी मशीनरी इंस्टॉल हो जाएंगी। ग्रेट, बहुत लकी हो तुम कि ये सारा काम इतनी जल्दी हो गया। यू आर वेरी लकी, वरना ऐसे कामों में तो महीनों निकल जाते हैं। किस्मत वाले हो तुम। मेरी किस्मत मेरे साथ है, इसीलिए मेरे सारे काम जल्दी जल्दी पूरे हो गए। बस भी किसी सामान बहुत तारीफ कर ली आपने हमारी। अरे ठीक ही तो कह रहा है, और वैसे कहा भी गया है कि हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है। तुम हो इसके पीछे, इसे कामयाबी मिल रही है। और आगे क्या प्लान है? बस अब तो मैं एक अच्छा सा मुहूर्त निकालूंगा और फैक्ट्री ओपन करूंगा और सबको सबको बुलाऊंगा मैं। मैं देख लो, अगर तुम सबको बुलाने वाले हो तो फिर मुझे, सिंथिया और बंटी को बाहर रखना, वरना बाकी लोग नाराज हो जाएंगे वहाँ। ऐसा कैसे हो सकता है ऋषभ भैया, इतना बड़ा ओकेशन है और आप लोग वहाँ नहीं होंगे? ऐसा नहीं हो सकता, आप लोगों को आना है बस। हाँ हाँ, आप लोगों को तो आना ही होगा। चलो मैं चलता हूँ। ऋषभ भैया एक मिनट, हम अभी आते हैं। I'm really proud of you. मैं देख रहा हूँ कि मेरा छोटा भाई अब सही मानों में बड़ा हो गया है, अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। थैंक्स भैया, नेहा ने भी बहुत मदद की मेरी। इतनी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी थी, अगर वो मेरी मदद नहीं करती तो ये काम इतनी जल्दी हो नहीं पाता। नहीं नेहा इज एन एक्सीलेंट लॉयर, देखना ये सक्सेना वाला केस भी बहुत अच्छे से हैंडल करेगी वो। हाँ, नेहा ने बताया था मुझे, बहुत ही जल्द वो सक्सेना के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल करने जा रही है, और उसने मुझसे भी पूछा था कि मैं गवाही दूंगा या नहीं। तुमने क्या कहा? मैंने मना कर दिया। क्यों, क्यों मना किया तुमने? और अगर कोर्ट से समन्स आ गया गवाही देने के लिए तब? पता नहीं भैया, मैंने इस बारे में सोचा नहीं है और ना ही सोचना चाहता हूँ। फिलहाल तो मैं अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर। ऋषभ भैया ये लीजिए, ये बंट के लिए है, प्लीज इसे दे दीजिएगा। क्यों, क्या हुआ? ऐसे ही मन किया बस। चलो अच्छी बात है। ये छोड़ो पहले, मुंह खोलो। मामा पेट भर गया,
कुछ खाया नहीं है, पेट कैसे भर गया? मामा फोन बज रहा है। इधर बैठो बंटी, आप खाओ। हेलो हेलो, बोल ही नहीं रहा। हेलो, पता नहीं किसका फोन। अरे खाया नहीं तुमने कुछ? चलो फिनिश करो। मामा मैं देखता हूँ। बंटी कहाँ माने गए? हेलो कौन? तुमने पहचाना नहीं मैं कौन बोल रहा हूँ? जो फोन करता है वो अपना नाम पहले बताता है। मैं तुम्हारा दोस्त बोल रहा हूँ, तुम्हारा नया दोस्त। आप मेरे नए दोस्त नहीं, आप मेरे सबसे पुराने दोस्त हो, मैं सब पहचान गया हूँ। अच्छा एक बात बताओ दोस्त, आजकल तुम स्कूल बस से नहीं जाते? अरे मम्मी के साथ जाता हूँ ना, मम्मी मुझे छोड़ने भी जाती है और लेने भी आती है, और मम्मी मुझे पढ़ाई के लिए बहुत डांटती है। ये तो बहुत बुरी बात है, क्यों डांटती? मम्मी कहती है जब मैं यहाँ नहीं थी तो मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। अच्छा ये बताओ तुम्हें अपने दोस्त की याद नहीं आती? वो तो तुम्हें एक नजर देखने के लिए इंतजार करता है तुम्हारा। बहुत याद आती है, लेकिन मेरे दादाजी को नहीं पसंद मैं अपने दोस्त से बात करूं। आप इतने चुप क्यों हो? कुछ बोलो ना। फिर बात करते हैं दोस्त। मैं दोस्त ने फोन काट दिया। कोई बात, ये काकुल चाची ने दिया है ना। ओके मैं लेके जाता हूँ, बाय। पापा ने फोन किया था? आई डोंट बिलीव दिस। बिलीव इट, पहले मैंने दो बार फोन उठाया तो डिस्कनेक्ट कर दिया, फिर बंटी ने उठाया तो काफी देर से बंटी से बात कर रहे हैं। इसका मतलब पापा को बंटी की याद आती होगी। अच्छी बात है, पापा भी काफी अकेले पड़ गए होंगे। क्या हो गया आपको, अचानक बंटी पर इतना प्यार उमड़ आया? उसकी याद आ रही है, उसकी बातें कानों में गूंज रही है। कौन सी बातें? उस रोज उसने कहा था अपना जान के मुंह फेर लिया आपने। आप भी ना इतनी आसानी से किसी की भी बातों में आ जाते, इतना नहीं समझते कि ये सब सिंथिया के हथकंडे हैं। वो चाहती है कि हम उसके दबाव में आ जाएं, वरना इतना छोटा बच्चा इतनी बड़ी बात कह सकता है? सब उसकी माँ ने सिखाया उसे। उत्तरा प्लीज, तुम मैं जो भी कह रही हूँ ना बिल्कुल सच कह रही हूँ, लेकिन वो औरत मुझे नहीं जानती। मेरे जीते जी वो इस घर में कभी नहीं आएगी। कुछ समझ नहीं आ रहा है, सम्मान क्यों नहीं एक्शन लेना चाहता है सक्सेना के खिलाफ? कहीं ऐसा तो नहीं कि सम्मान के मन में अभी भी वंशिका के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, उन दोनों को अलग हुए बहुत वक्त हो गया, और फिर सम्मान नहीं तो कहा था कि सक्सेना ने उसकी जान लेने की कोशिश की है। तो फिर क्या रीजन हो सकता है, क्यों नहीं सम्मान गवाही देना चाहता है सक्सेना के खिलाफ? हो सकता है वो बात को भुला देना चाहता होगा। But he knows ना that सक्सेना is a dangerous man। अगर सम्मान ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया तो उसकी हिम्मत और भी बढ़ जाएगी। ये ख्याल मुझे भी आया था, क्योंकि नेहा ने जो सबूत इकट्ठा किए हुए हैं उससे तो यही साबित होता है कि सक्सेना मुजरिम है। लेकिन अब क्या किया जाए, बात को बढ़ाने से तो अच्छा है कि बात को भूल जाया जाए। सम्मान के लिए तो किस्सा खत्म हो जाएगा, पर आई एम श्योर दैट सक्सेना नेहा को नुकसान पहुंचाए बिना नहीं मानेगा। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस नेहा जी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरी स्वीटहर्ट को इतनी बड़ी तरक्की मिली है, आजकल के जमाने में जहाँ पर कंपटीशन कितना टफ है। शरद ये सिर्फ सक्सेना के केस के लिए है,
क्योंकि मैं इस केस में शुरू से इन्वॉल्व थी, दैट्स ऑल। लेकिन नेहा, आजकल लोगों को एक मौका भी कहाँ मिलता है। देखो, ऐसे हजारों वकील होंगे जो तुमसे सीनियर होंगे, राइट? फिर भी ये मौका सिर्फ तुम्हें दिया गया है। इट्स अ बिग अचीवमेंट नेहा, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक्स शरद। यू नो व्हाट, मैं भी चाहती थी कि एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाऊं जहां पे सक्सेना जैसे दुश्मनों को सबक सिखा सकूं। भगवान ने मेरी सुन ली। हाँ, भगवान ने तुम्हारी तो सुन ली, लेकिन सक्सेना की बैंड बजा दी, वो बेचारा तो गया। सही कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। लेकिन भाई, अब तो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। मुश्किल क्या? अब मैं तुम्हें नेहा कहकर जो नहीं पुकार सकूंगा। मतलब? भाई, अब तो तुम्हें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहिबा जो बुलाना पड़ेगा। तुम भी ना शरद, लो कॉफी पियो। हाँ। ये नेहा अपनी हद से बाहर जा रही है, उसे अब ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। सक्सेना साहब, इस केस से तो अब आपको ही निपटना पड़ेगा। दरअसल ये केस अब मेरे हाथ में नहीं रहा। ये आप क्या कह रहे हैं? जी, करण वर्मा नाम के एक ऑफिसर हैं, अब ये केस वो ही हैंडल करेंगे। ये तो बहुत बुरी खबर सुनाई आपने। एक बुरी खबर और भी है सक्सेना साहब। मुझे मालूम पड़ा है कि नेहा इस केस पर बहुत जोर डाल रही है। उसने बहुत सारे सबूत भी इकट्ठे कर लिए हैं आपके खिलाफ। जरा होशियार रहिएगा, वरना बुरी तरह फंस सकते हैं आप। नेहा के बहुत पर निकल आए हैं। अंशिका की शादी में बहुत कम समय रह गया है। ये नेहा कोई अड़चन खड़ी ना करते, किसी भी कीमत पर रोकना होगा उसे। नेहा, ये ले बेटा, जूस पी ले। नहीं माँ, मुझे बहुत देर हो रही है। नेहा, तूने नाश्ता भी नहीं किया है, कम से कम ये जूस पी ले। नहीं माँ, प्लीज। नेहा, तू ये क्या कर रही है? तू अपना ध्यान क्यों नहीं रख रही है? कल रात को भी देर से आई और वैसे ही सो गई तू। हाँ नेहा, देखो अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना। माँ, मुझे बहुत काम है। सक्सेना का केस लड़ रही हूँ, बहुत पेपर वर्क है उसमें। ये केस जीतना मेरे लिए बहुत जरूरी है, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। नेहा, तुम। माँ, मैंने सक्सेना के अगेंस्ट बहुत सारे सबूत इकट्ठा कर लिए। हाँ, ये अलग बात है कि समान भैया ने गवाही देने से मना कर दिया है, बट माँ, मैं फिर भी ये केस लड़कर रहूंगी। ओके, मैं अभी चलती हूँ, प्लीज। नेहा, तुम केस लड़ती रहना, पहले जूस पी लो। माँ, मैं ऑफिस में कुछ मंगा लूंगी, डोंट वरी। ओके नेहा, बात तो सुन। माँ, डोंट वरी। ये केस नेहा जीते आ रहे, लेकिन वो सक्सेना बहुत खतरनाक आदमी है। नेहा से जरूर बदला लेगा। वो सर्टिफिकेट कहाँ खो गया? वो मिल जाए तो सक्सेना को रोक सकूंगी मैं, वरना अपनी ही बेटी को नुकसान पहुंचाएगा वो। हे भगवान, नेहा का बर्थ सर्टिफिकेट कहीं जेल तो नहीं गया? अगर वो नहीं मिला तो सक्सेना कैसे विश्वास करेगा मेरा? नमस्ते भाभी। भाई साहब, आप? चेतावनी देने आया हूं मैं आपको। देखिए, आप नेहा की मां है, आप ही उसे कुछ कह सकती है, कुछ समझा सकती है। उसे कहिए, समझाइए, मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई बंद कर दे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। एक मिनट, एक तो ये सब बातें आप मुझसे मत कीजिए, मेरे हाथ में कुछ नहीं। दूसरी बात, मेरी नेहा उन लड़कियों में से नहीं है जो आपकी चेतावनी और धमकियों से डर जाए। देखिए, बात यह है कि वो जिस आग से खेल रही है, उस आग की लपटें इतनी ऊपर तक जा सकती है, इतनी ऊंचाई तक कि सब कुछ चलकर खाक हो जाएगा।
मेरी बच्ची को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत, वरना 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 क्या बोलो बोलो वरना क्या। वरना मोहिनी फिर से जिंदा हो जाएगी। मोहिनी? किस मोहिनी की बात कर रही हैं आप? अच्छा, अब मुझे ये भी बताना होगा। मैं उस मोहिनी के बारे में बात कर रही हूं जो 23 साल पहले आपके बच्ची को जन्म देते हुए चल बसी। अच्छा ही हुआ वो चल बसी, वरना आपकी जलील हरकतों को देखकर पता नहीं उसका क्या हश्र होगा। 23 साल पहले आपसे जितना प्यार करती थी वो आज उतनी ही नफरत करती। पेन ड्राइव में वो सभी फोटोग्राफ्स हैं जो उस ड्राइवर के कत्ल के वक्त क्लिक किए गए थे। जिसको इस केस में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होना चाहिए था वही बैक आउट कर गया। हम दोनों की किस्मत में फैमिली तो है, लेकिन फैमिली का सुख नहीं है। ना चाहते हुए भी हम दोनों को अपने ससुराल से दूर रहना पड़ रहा है और घर तोड़ने का इल्जाम हम दोनों पर लगा। नेहा, वैसे इस केस से सक्सेना का तो कोई संबंध नहीं है ना?